हेलो दोस्तों, यूपी प्रीलिम्स 2017 टेस्ट सीरीज़ की वीडियो में आगे बढ़ते हुए आज का जो वीडियो है वो है टेस्ट सीरीज़ पार्ट 6। टेस्ट सीरीज़ पार्ट 5 कल मैंने लाइव स्ट्रीमिंग के थ्रू आपके सामने डिस्कस करने की कोशिश की थी। मुझे बहुत ही कम सीरियस पार्टिसिपेंट्स, एक्टिव पार्टिसिपेंट्स मुझे दिखे ऑनलाइन जिन्होंने उस समय आंसर दिया, और मैं काफ़ी अनसेटिस्फाइड रहा इस चीज़ से। मुझे लगा कहीं ना कहीं पहले वाला तरीका ज़्यादा सही है कि मैं आपको प्रश्न बताता चला जाऊं और अंतिम में उन प्रश्नों का उत्तर दूं। अब मैं इस वीडियो के लास्ट में ही इन प्रश्नों का उत्तर दे दूंगा जिस दिन ये वीडियो अपलोड करूंगा, जिससे आप ये जज कर पाएंगे कि आप कितने प्रश्न सही कर पा रहे हैं। कि बहुत सारे लोगों की ये कंप्लेन थी कि अगले दिन वेट करना पड़ता है। दूसरी बात यह है कि समय कम होने की वजह से और प्रश्नों को अधिक से अधिक मुझे कवर करना है, इंपॉर्टेंट प्रश्नों को कवर करना है, जिसकी वजह से मैं टाइप ना करके स्कैन डॉक्यूमेंट के माध्यम से मैं आपको इन प्रश्नों को डिस्कस करूंगा। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, हाल ही में विश्व बैंक ने राष्ट्रीय जलमार्ग 1 विकसित करने के लिए कितने मिलियन डॉलर के ऋण को मंजूरी दी है? देख रहे हैं, पहला प्रश्न है। इसका ऑप्शन है, विकल्प है 275 मिलियन डॉलर, 300 मिलियन डॉलर, 375 मिलियन डॉलर या 425 मिलियन डॉलर। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि संविधान ने केंद्रीय मंत्रिमंडल में हाल ही में 123वां संशोधन विधेयक 2017 और राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग विधेयक 2017 को संसद में प्रस्तुत करने की मंजूरी दी है। संविधान 123वां विधेयक 2017 के जरिए संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग गठित किया जाएगा? प्रश्न है आपका कि 123वें संविधान विधेयक 2017 के जरिए संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग गठित किया जाएगा? आपके ऑप्शन हैं अनुच्छेद 335 बी, अनुच्छेद 338 बी, अनुच्छेद 336 बी, अनुच्छेद 337 बी। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न लेते हैं कि दिल्ली के हजरत निजामुद्दीन एवं आगरा कैंटोनमेंट के मध्य पहली सेमी हाई स्पीड ट्रेन गतिमान एक्सप्रेस का कब शुभारंभ हुआ? 5 अप्रैल 2016, 6 अप्रैल 2016, 7 अप्रैल 2016 या 8 अप्रैल 2016। अगला प्रश्न है, वर्तमान में वैश्विक बाजार में भारतीय प्रौद्योगिकी उद्योग का हिस्सा है, और इसके विकल्प हैं ए 2%, बी 3%, सी 4% या डी 5%। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न लेते हैं। रसायन के उत्पादन में भारत का एशिया में कौन सा स्थान है? पहला, पांचवा, चौथा, दूसरा। मैं प्रश्न को इसलिए डिस्कस कर पा रहा हूँ कि आप आराम से इसे देख सकें, उसका उत्तर सोच सकें। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न लेते हैं। जनधर्म में संलेखना से तात्पर्य है ए लेखन पद्धति, बी उपवास द्वारा प्राण त्याग, सी तीर्थकारों की जीवनी या डी भित्ति चित्र। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न लेते हैं कि पशुपति संप्रदाय का संस्थापक कौन था? पाशुपत संप्रदाय का संस्थापक कौन था? ए उदिताचार्य, बी लकुली, सी शंकराचार्य, डी भैरवाचार्य। अगला प्रश्न देखते हैं कि नंदों का उल्लेख करने वाला प्राचीनतम अभिलेखीय प्रमाण है। ए ऑप्शन है आपका रुद्रतामन का जूनागढ़ अभिलेख, बी है आपका खारवेल का हाथी गुफा अभिलेख, सी है आपका हेलियोडोरस का गरुण स्तंभ और डी है गौतमी बलसुरी का नासिक गुफा अभिलेख। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न लेते हैं। निम्नलिखित में से किस राजकुल के राजा अपने मात्र नामों से लक्षित होते थे? ए शुंग, बी सातवाहन, सी महामेघवाहन, डी कांड। अगला प्रश्न है, निम्न शासकों में से किसको वर्ण व्यवस्था का रक्षक कहा गया है? और इसके विकल्प हैं ए पुष्यमित्र सुंग, बी खारवेल, सी गौतमी पुत्र कर्णी और डी वासुदेव। इन प्रश्नों का उत्तर आपको वीडियो के अंत में मैं आज ही दे दूंगा, जिसे आप ये जज कर पाएंगे कि आपने कितने प्रश्न सही किए। आगे बढ़ते हैं, अगला है, निम्नलिखित में से कौन एक स्त्री आलवार संत है? तिरुपान,
तिरुमाल, मधुर या आंडाल। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित संतानों में से किसने किसके शिक्षा में व्यावसायिक पाठ्यक्रम लागू किया? निम्नलिखित संतानों में से किसने शिक्षा में व्यावसायिक पाठ्यक्रम लागू किया? पहला ये ऑप्शन आपका बलवंत, बी आपका अलाउद्दीन खिलजी, सी आपका मोहम्मद बिन तुगलक और डी है आपका फिरोज शाह तुगलक। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न लेते हैं। 13वां प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से किसने सल्तनत काल में डाक व्यवस्था का विस्तृत विवरण दिया है? प्रश्न ध्यान से, सल्तनत काल में डाक व्यवस्था का विस्तृत वर्णन दिया है। ऑप्शन ए अमीर खुसरो, बी इब्न बतूता, सी सुल्तान फिरोज शाह, डी जियाउद्दीन बरनी। अगला प्रश्न है, दो सूचियां दी हैं जिनको आपको सम्मिलित करना है सही कूट का प्रयोग करके। सूची आप देख रहे होंगे, ए सूची ए है फतूह उल सलातीन फिरोज शाह तुगलक, फतुहाल ए फिरोज शाही इमामी सॉरी इसामी। तीसरा आपका तारीख फिरोज शाही अमीर खुसरो, खजाइन उल फतूह बरनी। सही कूट का प्रयोग करके आपको उत्तर देना है। अगला रखते हैं आपका, दूसरा है सही कूट का प्रयोग करके। 14वां प्रश्न आप यहाँ सही कूट दिया हुआ कूट का प्रयोग करके आप यहाँ देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, उस भूमि का प्रश्न है आपका, उस भूमि को किस नाम से जाना जाता था? ये उस भूमि को किस नाम से जाना जाता था जिससे सुल्तान प्रत्यक्ष रूप से लगान प्राप्त करता था? सुल्तान जिससे प्रत्यक्ष रूप से लगान प्राप्त करता था, खालिसा, इमाम, वक्फ या अत्ता। फिर से देख लें आप, खालिफा, इमाम, वक्स या इफका। अगला प्रश्न है, दिल्ली में खैरुल मनाजिल नामक मदरसे का निर्माण किया था? ऑप्शन आपके हमीदा बानो बेगम, बी आपका गुलबदन बेगम ने, सी आपका माहा मनगा ने और डी आपका शाह बेगम ने। आगे बढ़ते हैं, मैं इसलिए रिपीट करता हूँ अगर आपको क्लियर ना हो तो आप समझ सकें। दो सूचियाँ दी हैं, दोनों सूचियों को आपको सुमेलित करना है सही कूट का प्रयोग करके। सूची एक है आपका जोनाथन डंकन महालवाड़ी व्यवस्था, थॉमस मनरो बंगाल का स्थायी बंदोबस्त, कार्निवल्स रैयतवाड़ी बंदोबस्त, हॉल्ड्स मैकेंजी बनारस का स्थायी बंदोबस्त। तो सही कूट का प्रयोग करके आप इसका उत्तर दें, कूट आपका ये दिया हुआ है देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, सन 1904 में क्रांतिकारियों की गुप्त सभा अभिनव भारत का गठन किसने किया था? यानी अभिनव भारत का गठन किसने किया था 1904 में, प्रश्न है आपका। और इसके विकल्प हैं अरविंद घोष, वी डी सावरकर, विपिन चंद्रपाल, रास बिहारी घोष। अगला प्रश्न है, सूरत अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में पहली फूट पड़ी कौन सा अधिवेशन था? सूरत का कौन सा अधिवेशन था जिसमें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में पहली फूट पड़ी थी? ये आपका प्रश्न है, 21वां, 22वां, 23वां या 24वां। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न आपका, भक्ति की अवधारणा पहली बार अभिव्यक्त हुई? प्रश्न आपका ध्यान से देखें, भक्ति की अवधारणा पहली बार अभिव्यक्त हुई। देखते हैं इसके विकल्प, विकल्प ए है आपका ऐतरेय ब्राह्मण में, बी आपका शतपथ ब्राह्मण में, सी आपका श्वेतांबर उपनिषद में और डी आपका छांदोग्य उपनिषद में। अगला प्रश्न देखते हैं, अथर्ववेद में वर्णित प्रथम कृषि विज्ञानी कौन था? ए वशिष्ठ, बी गौतम, सी सुदेश, डी पृथुवर्णी। अगला प्रश्न है, रेवा नर्मदा नदी का उल्लेख मिलता है, रेवा नर्मदा नदी का उल्लेख मिलता है, विकल्प है इसके अथर्ववेद में, ऐतरेय ब्राह्मण में, सामवेद में या शतपथ ब्राह्मण में। आपके पास पर्याप्त समय है इन प्रश्नों को देखने का, मैं बहुत स्लो चल रहा हूँ, फिर भी अगर आपको कोई दिक्कत हो रही है तो कमेंट लाइन पर लिखें और इन प्रश्नों का उत्तर आप कमेंट लाइन पर देने की कोशिश करें, जिससे मुझे भी ये लगेगा कि हाँ आप एग्ज़ाम को लेकर सीरियस हैं और आपकी प्रोग्रेस शो होगी। आगे बढ़ते हैं, रोमेनियन पद स्टेटस के प्रदान
करने के आधार पर भारत और पाकिस्तान की दो केंद्रीय सरकारों को अंतरित करने का सुझाव किसने दिया? फिर से रिपीट करता हूँ, डोमिनियन पद के प्रदान करने के आधार पर, डोमिनियन पद को प्रदान करने के आधार पर भारत और पाकिस्तान की दो केंद्रीय सरकारों को अंतरित करने का सुझाव किसने दिया? विकल्प है आपका जवाहरलाल नेहरू व सरदार पटेल, गांधी जी व जवाहरलाल नेहरू, लॉर्ड माउंटबेटन व जवाहरलाल नेहरू, वीपी मेनन व सरदार पटेल। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। आगे बढ़ते हैं, 1919 में अखिल भारतीय खिलाफत कॉन्फ्रेंस किस स्थान पर आयोजित किया गया था? लखनऊ, अलीगढ़, दिल्ली या पोरबंदर। आगे बढ़ते हैं, पहला कथन है आपका कि महात्मा गांधी द्वारा सन 1932 में पूना में उपवास रखा गया था और कारण है कि सांप्रदायिक पंचांड के अंतर्गत हरिजनों के लिए पृथक चुनाव अधिकारों के प्रावधान को महात्मा गांधी विरोधी थे। सही कोड का प्रयोग करके आपको इसका उत्तर देना है और इसका उत्तर आप दें। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न, मैं थोड़ी देर यहाँ पे रुकता हूँ, आप ये प्रश्न देख सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, तीसरा है आपका, आगे बढ़ते हैं अगला कि 26वां प्रश्न है आपका कि महात्मा गांधी द्वारा सन 1922 में असहयोग आंदोलन स्थगित कर दिया गया, ये कथन है और कारण है कि आंदोलन का सी आर दास तथा मोतीलाल नेहरू द्वारा विरोध किया गया। सही कूट का प्रयोग करके आपको इसका उत्तर देना है। कुछ देर के लिए यहाँ रुक रहा हूँ ताकि प्रश्न आप आसानी से देख सकें, आराम से देख पाए। फिर से रिपीट कर देता हूँ, महात्मा गांधी द्वारा सन 1922 में असहयोग आंदोलन स्थगित कर दिया गया, ये कथन है, कारण है आंदोलन का सी आर दास द्वारा मोतीलाल नेहरू द्वारा विरोध किया गया था। आगे बढ़ते हैं, स्ट्रेची आयोग संबंधित है किससे? वर्नाकुलर प्रेस एक्ट से, अकाल से, स्थानीय शासन, स्वायत्त शासन से या शिक्षा से। आगे बढ़ते हैं, आपने प्रश्न देख लिया होगा, आगे बढ़ते हैं। अतीव मात्रक भूमि उस भूमि को कहते हैं, प्रश्न है आपका कि अतीव मात्रक भूमि किस भूमि को कहते हैं जिसकी सिंचाई के लिए पर्याप्त वर्षा होती है, जिसकी सिंचाई के लिए कृत्रिम साधनों से होती है, जिसकी सिंचाई कृत्रिम साधनों से होती है, विकल्प बी है, विकल्प सी है जिसकी सिंचाई किसी साधन से नहीं होती, विकल्प सी है, विकल्प डी है जो कपड़ों से भरी होती है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न लेते हैं कि समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति पर मुगल किस मुगल शासक का लेख उत्कीर्ण है? ए अकबर, बी जहांगीर, सी शाहजहां या डी दारा सिकोह। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय प्लेट का भाग नहीं है? ऑस्ट्रेलिया, सऊदी अरब, ब्रोनियो, श्रीलंका। कहीं कहीं पर आपको थोड़ी बहुत हिंट भी दी गई है तो हिंट की मदद से भी आप। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी समावेश विकास सूचकांक के संबंध में कथनों पर विचार कीजिए। पहला, इस सूचकांक में 79 विकासशील अर्थव्यवस्था तथा 12 संकेत शामिल किए गए हैं। दूसरा है, लिथुआनिया का प्रथम स्थान है। तीसरा है आपका कि भारत में 79 यानी 79 देशों में से वो 60वें स्थान पर है, यानी भारत 79 देशों में 79 देशों में 60वें स्थान पर है। और चौथा है, भारत का प्रदर्शन सभी पड़ोसी देशों से बेहतर है। सही उत्तर का चयन करें। आगे बढ़ते हैं, ब्रेड फ्रूट ड्राई फ्रूट नीति क्या है? ब्रेक्सिट से अलग हुए देशों का समूह, विकल्प है आपका कैलिफोर्निया से विद्रोही समूह, क्यूबाई प्रवेश प्रवासियों हेतु 2 दशक बनाई गई पूर्व नीति या डी अमेरिका द्वारा घोषित एक राजनीतिक भौगोलिक नीति। अगला प्रश्न है आपका, हाल ही में एक पूर्वोत्तर महोत्सव का आयोजन किस कॉलेज द्वारा किया गया? अच्छा प्रश्न है, विकल्प आपके दिल्ली पब्लिक स्कूल, सेंट थॉमस कॉलेज, जीजस थॉमस कॉलेज, उपरोक्त में से कोई नहीं। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, देवघर हवाई अड्डे का विकास किस वर्ष पूरा होगा? 2018 तक, 2019 तक, 2020 तक या 2021 तक। आप वीडियो को पॉज करके भी इन प्रश्नों को कुछ समय के लिए देख सकते हैं, मैं
कंटिन्यूसली जल्दी जल्दी इन प्रश्नों को रिपीट कर रहा हूँ ताकि वीडियो लंबा ना हो। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में भारत सरकार और एशियाई विकास बैंक ADB ने मध्य प्रदेश में 1500 किलोमीटर की प्रमुख जिला सड़कों के उन्नयन हेतु कितनी राशि पर हस्ताक्षर किया है? कितनी राशि का ऋण ADB बैंक ने मध्य प्रदेश राज्य के साथ जिला सड़कों के उन्नयन के लिए हस्ताक्षर किया है? 150 मिलियन अमेरिकन डॉलर, 200 मिलियन अमेरिकन डॉलर, 250 मिलियन अमेरिकन डॉलर या 300, 350 मिलियन अमेरिकन डॉलर। अगला प्रश्न है, संविधान भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद प्रेस की स्वतंत्रता को आश्वासित करता है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है और आसान प्रश्न है, बहुत लोगों को ये पता होगा। अनुच्छेद 16, अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 22, अनुच्छेद 31। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किसके नेतृत्व में भारतीय वायुसेना द्वारा नेपाल में स्थित माउंट धौलाधिरी शिखर पर पर्वतारोहण प्रारंभ किया गया? बहुत ही अच्छा प्रश्न। पहला कैप्टन BP त्रिपाठी, कैप्टन RC सिंह, कैप्टन RC त्रिपाठी या कैप्टन एन दिल्ली। अगला प्रश्न देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। अगला है 38वां प्रश्न है। अभी तक हमने आपने देखा होगा 37वें प्रश्न तक डिस्कस करें। 38वां प्रश्न है आपका कि हाल ही में ये प्रश्न है आपका कि हाल ही में पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय के सलाहकार समिति के सांसदों की बैठक किस स्थान पर आयोजित की गई? विकल्प हैं इसके बेंगलुरु, जयपुर, अहमदाबाद या श्रीनगर। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, हाल में ही बांग्लादेश में कहां पर कपड़ा निर्यात इकाइयों ने गैर कानूनी विरोधी प्रदर्शन में शामिल होने पर 1600 से अधिक कारीगरों को नौकरी से निकाल दिया गया? विकल्प आपके मीरपुर, चटगांव, शूलिया, ओहाकली। ये ऐसे प्रश्न हैं जो UPSC में किसी न किसी तरीके से ज़रूर पूछे जाते हैं, तो आप इन प्रश्नों को ध्यान से देखें। अगर आप उत्तर गलत दे रहे हैं तो जब मैं लास्ट में इसका उत्तर अपलोड करूँगा तो आप उससे मिलाएं और इन प्रश्नों को याद रखें ताकि आपसे एग्ज़ाम में गड़बड़ ना हो, गलत ना हो। आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा एक राज्य के नीति निदेशक सिद्धांतों में सम्मिलित है? पहला, राज्य देश के पर्यावरण के संरक्षण तथा संवर्धन का विकास करेगा। दूसरा, राज्य किसी को कानून के समक्ष समानता से मना नहीं करेगा। तीसरा, राज्य किसी व्यक्ति को उस धर्म, कुल, जाति, लिंग अथवा उस भेद पर प्रभेद नहीं करेगा। और चौथा, अपरिशयता का प्रवर्तन। अगला प्रश्न आपका, निम्नलिखित में से कौन अन्य से भिन्न है? पहला प्रेयरी, सेल्वॉस, सुंदरवन, पैम्पॉस। अगला प्रश्न है अल्फाल्फा, ये प्रश्न आ चुका है और बहुत ही अच्छा प्रश्न है। अल्फाल्फा है एक जानवर, एक प्रकार की घास, एक जनजाति या एक नगर। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किन अक्षांशों के मध्य घोड़ा अक्षांश स्थित है? बहुत ही बढ़िया प्रश्न, बहुत सारे पीसीएस एग्जामों में पूछा जाता रहा है, तो आप इसका उत्तर अवश्य जानें, मिलाएं, याद रखें। पहला 5 डिग्री उत्तर एवं 5 डिग्री दक्षिण, 30 डिग्री उत्तर, 30 से 35 डिग्री उत्तर, 30 से 35 डिग्री दक्षिण, 60 से 65 डिग्री उत्तर, 60 से 65 डिग्री दक्षिण, 70 से 75 डिग्री उत्तर या 70 से 75 डिग्री दक्षिण। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न लेते हैं कि उष्ण कटिबंधीय चक्रवात हैरिकेन्स के नाम को, या हैरिकेन्स जो है ये नाम किस देश में लिया जाता है? उष्ण कटिबंधीय चक्रवात हैरिकेन नाम से किस देश में जाना जाता है? उष्ण कटिबंधीय चक्रवात जो हैरिकेन है वो हैरिकेन नाम से किस देश में जाना जाता है? पहला फिलीपींस में, दूसरा ऑस्ट्रेलिया में, तीसरा बंगाल में, चौथा वेस्ट इंडीज में। अगला है आपका, निम्नलिखित में से किस अक्षांशों के मध्य सूडान तुल्य जलवायु पाई जाती है? 5 डिग्री उत्तर से 5 डिग्री दक्षिण,
5 डिग्री उत्तर से 5 डिग्री उत्तर से 20 डिग्री उत्तर दक्षिण, 8 डिग्री उत्तर दक्षिण से 30 डिग्री उत्तर दक्षिण, 20 डिग्री उत्तर दक्षिण से 30 डिग्री उत्तर दक्षिण। अगला प्रश्न है, उस पवन का नाम बताइए जो मौसम के अनुसार अपनी दिशा बदल देती है। पहला है चिनूक, दूसरा है लू, तीसरा है मानसून, चौथा है मिस्ट्रल। ये सब स्थानीय पवने हैं और आप लोगों को उत्तर अवश्य पता होगा, बहुत ही सरल प्रश्न। आगे बढ़ते हैं, वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत को कहते हैं ओजोन मंडल, आयन मंडल, क्षोभ मंडल या समताप मंडल। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, महाद्वीपीय मग्न तट की औसत गहराई है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, महाद्वीपीय मग्न तट की औसत, मग्न तट की औसत गहराई है 100 फैदम, 200 फैदम, 300 फैदम, 400 फैदम। अगला प्रश्न है, समुद्र तट की गहराई, जैसा कि आपको पता होगा कि हम फैदम में नापते हैं, तो ये बात भी आप याद रखें। आगे आपका ग्रैंड बैंक स्थित है, पहला अटलांटिक महासागर में, दूसरा प्रशांत महासागर में, तीसरा हिंद महासागर में, चौथा आर्कटिक महासागर में। अंतिम प्रश्न है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बार बार पूछा जाता है क्योंकि इससे मानसून पे बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है और भारतीय कृषि को ये बहुत ज़्यादा प्रभावित करता है, तो प्रश्न अच्छा है, आप इसको याद रखें। एलिनो संबंधित है हड्डी से, फिल्म से, जलवायु से या पादप से। तो दोस्तों, ये था टेस्ट वीडियो, प्रीलिम्स टेस्ट वीडियो, यूपी प्रीलिम्स का वीडियो सीरीज 6, यानी टेस्ट सीरीज 6। 1 से 50 प्रश्न थे, बहुत इंपॉर्टेंट, सारे सेक्शन से इसमें प्रश्न को समाहित किया गया है। इसका उत्तर अभी आपको वीडियो का डिस्क्रिप्शन, जो नीचे डिस्क्रिप्शन लिंक है वहाँ से मिल जाएगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, मिला सकते हैं। इसके अतिरिक्त आपको कोई सुझाव चाहिए तो आप बता सकते हैं, कोई परिवर्तन वीडियो में या डिस्कस करने के तरीके में, तो आप अवश्य बताएं। नेक्स्ट टेस्ट सीरीज तक के लिए बाय।